नमस्ते स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का जो ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 है, पहला चैप्टर आपने पढ़ा था इंडिया साइज एंड लोकेशन, सेकंड चैप्टर आपने पढ़ा था फिजिकल ज्योग्राफी, थर्ड आपने पढ़ा था ड्रेनेज सिस्टम एंड फोर्थ है आपका ये क्लाइमेट नाम का चैप्टर। तो इस क्लाइमेट में क्या क्या पढ़ना है हम आपको बस यही बता रहे हैं और चैप्टर को ज़रा जल्दी से समराइज करते हैं। ओके, तो सबसे पहला चीज़ जो आपको इस चैप्टर पढ़ना है वो है क्लाइमेट और वेदर में डिफरेंस क्या होता है, आपको ये जान के जाना है। ये दोनों यहाँ दिया गया है, आंसर है जो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए हो उसको हम लोग कहते हैं वेदर। जैसे मान लीजिए आप दोपहर को बैठे हो स्कूल में, बारिश आ गई या मान लो धूप आ गई ज़्यादा, तो इसको कहते हैं वेदर, जो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए है, जो चेंज होते रहे जल्दी जल्दी। लेकिन अगर यही चीज़ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो, फॉर एग्जांपल राजस्थान, सालों से वहाँ पर रेगिस्तान है मान लो, या हम कहेंगे शिमला, सालों से वहाँ पर ठंडी पड़ता है, या कश्मीर, सालों से वहाँ बर्फ़ पड़ता है, तो जो सालों से वैसा मतलब 30 ईयर प्लस 30 से भी ज़्यादा साल अगर मौसम सेम जैसा हो वेदर, तो उसको हम लोग कहते हैं क्लाइमेट कहते हैं। तो ये दो डिफरेंस आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर डेफिनेशन पढ़ना है कि वो है ये रहा कि मानसून जो वर्ड है वो कौन से वर्ड से लिया गया, अरबिक वर्ड मौसम से लिया गया, और इसका मीनिंग क्या होता है, सीज़न होता है। और इसके अलावा आपको यहाँ पर एक बात बोला जा रहा है कि आपको पता है क्या दुनिया का जो वर्ल्ड है उसको अलग अलग क्लाइमेटिक जोन्स में बांटा जाता है, ये सब बेसिक बातें लिखा गया है। एंड यहाँ पर और भी कुछ बेसिक सवाल है कि आप ठंडी के महीने में वुडन क्लॉथ क्यों पहनती हो और गर्मी के महीने में कॉटन क्लॉथ क्यों पहना जाता है, तो इस तरह के रीजंस आपसे पूछा जाता है, पूछा गया है यहाँ पर। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर दिया गया है आपको इस चैप्टर में कि इंडिया का क्लाइमेट किस टाइप का होता है, तो वो मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। और इस पूरे पैराग्राफ में दिया गया है कि सब जगह बराबर नहीं होता, फॉर एग्जांपल अगर कश्मीर में 30 डिग्री होगा तो क्या पता केरला में उस टाइम में कुछ और होगा, अगर मान लीजिए राजस्थान में 50 डिग्री हो तो क्या पता उस टाइम बिहार में कुछ और हो। तो इस तरह ये क्लाइमेटिक फैक्टर्स के बारे में कुछ बोला जा रहा है कि सब जगह वेदर कंडीशन सेम नहीं होता। उसके बाद ये भी वही चीज़ है कि एक फैक्ट दिया गया जब वहाँ इतना होता है तो यहाँ उतना होता है, ये टेम्परेचर के बारे में आपको बोला गया है। फिर उसके बाद ये प्रेसिपिटेशन के बारे में बोला गया, प्रेसिपिटेशन का मतलब बारिश गिरना, और एक और बात, प्रेसिपिटेशन का मतलब केवल बारिश नहीं होता, कोई भी फॉर्म हो, जैसे मान लीजिए बारिश हो गया, रेनफॉल या स्नोफॉल हो गया, या फोग हो गया, या हेल स्टॉर्म हो गया, तो कह रहे हैं वो आसमान से वो छोटे छोटे वो स्टोन गिरते हैं बर्फ़ के, तो ये सारे इसमें इंक्लूडेड होता है प्रेसिपिटेशन में। तो देर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, आपको ये बोलना चाहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ क्वेश्चन अच्छे अच्छे सवाल है आपके लायक, जैसे कि पूछा जाता है कि राजस्थान में जो घर बनता है उसके वॉल्स और रूफ्स फ्लैट क्यों होते हैं, पूछा जाता है कि तराई रीजन जो होता है गोवा में वहाँ पर और मैंगलोर में घर के छत स्लोपिंग क्यों होते हैं, केरला में भी, आसाम में जो होता है स्टिल्ट से घर क्यों बनाया जाता है, तो इस तरह कुछ रीजंस पूछा गया है। उसके बाद आपको पढ़ना है कि जो भी कहीं का भी जो क्लाइमेट होता है कुछ चीज़ों से नियंत्रित रहता है, मतलब कुछ 6 मेजर फैक्टर्स है जो कि एक जगह के क्लाइमेट को क्या करता है, संचालित करता है या कंट्रोल करता है। उन 6 फैक्टर्स का नाम आपको यहाँ दिया गया है, उन्हीं को लेंथी में यहाँ समझाया गया, तो आप ये चीज़ कवर कर सकते हो। और इसी का ऑपोजिट क्वेश्चन कि कौन कौन सा चीज़ है जो क्लाइमेट को अफेक्ट करता है, तो वही आंसर ऑलमोस्ट सेम यहाँ पर आता है, तो आपको ये पढ़ के जाना है। इसके अलावा कुछ टर्म्स बहुत सारा, जैसे कि कोरियोलिस इफेक्ट, इसी को फेरल स्लो कहते हैं, तो ये क्या होता है आपको पढ़ना है। जेट स्ट्रीम्स क्या होता है आपको ये पढ़ना है। उसके अलावा जेट स्ट्रीम के बारे में और डेप्थ में दिया, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। उसके अलावा यहाँ भी पढ़ लीजिए, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस क्या होता है आपको ये पढ़ के जाना है। इंडियन मानसून के बारे में कुछ डेप्थ में दिया है कि पुराने ज़माने में जो सेलर लोग थे जहाज से आते थे वो सब इंडियन मानसून का कैसे बेनिफिट उठाते थे। उसके अलावा कुछ डायग्राम दिया है, ये आप देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर कुछ टर्म्स है जैसे कि ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन, ये डेफिनेशन आपको यहाँ पर अच्छे से दिया गया, तो आपको ये डेफिनेशन पढ़ना है। इसके अलावा आपको एल नीनो क्या होता है आपको ये जानना है, एनजो क्या होता है जिसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर दिया गया है, तो ये सबको देखना है। इसके अलावा आपको पढ़ना है सदर्न ऑसिलेशन यहाँ पर दिया, तो डेफिनेशन बहुत सारा भरा पड़ा है, आपको ये देख के जानना है। बर्स्ट ऑफ द मानसून क्या होता है आपको ये डेफिनेशन यहाँ से पढ़ना है, बर्स्ट ऑफ द मानसून क्या होता है। देन इसके अलावा आपको कुछ पढ़ना है जैसे कि बारिश का महीना आता कब है, आने के बाद वो 2 ब्रांचेस में बट जाता है, एक को कहते हैं अरेबियन सी ब्रांच और एक को कहते हैं हम लोग बे ऑफ बंगाल ब्रांच, तो ये सब आपको दिया गया है, आप पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा आपको पढ़ने लायक यहाँ पर कुछ है तो वो यहाँ पर आ जाइए। सीज़न आपको बुक में 4 तरह के सीज़न का नाम दिया गया, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले यहाँ देख लीजिए कोल्ड वेदर सीज़न जिसको विंटर सीज़न कहते हैं, डेप्थ में दिया गया आपको
ग्रुप अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, आपसे सीधा फीचर पूछेगा कि हॉट वेदर सीज़न, कोल्ड वेदर सीज़न या इस तरह कोई भी सीज़न, या मान लो रेनी सीज़न, रेनी को भी इसमें दो टॉपिक में बांटा गया है, वन इज कॉल्ड होता ना, दिख लीजिए आपको दिखाते हैं तो दो, अभी देखते चलते मान लीजिए, तो ये हो गया आपका कोल्ड वेदर सीज़न, आपको पढ़ना है इसमें कुछ टर्म्स पढ़ना है, महाभत क्या होता है, रैबी क्रॉप्स का कहानी क्या है, तो ये सब पढ़ना है। हॉट वेदर टॉपिक के अंदर जो कि समर सीज़न कहलाता है, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, तो एक वर्ड है लू क्या होता है आपको पढ़ के जाना है, देन आपको एक टर्म पढ़ना है दैट इज़ कॉल्ड काल बैसाखी कहलाता है बंगाल में, ये पढ़ के जाना है। केरला और कर्नाटका में मैंगो शावर्स क्या होता है आपको ये टर्म पढ़ के जाना है, तो तीन टर्म आपको यहाँ पढ़ना है। रेनी सीजन का दो टॉपिक पढ़ना है, एक है एडवांसिंग मानसून जो बारिश का महीना आता है, और एक होता है रिट्रीटिंग मानसून मतलब जब बारिश का महीना जाता है। तो यही हम बोले थोड़े चार वेदर सीज़न का नाम आपको यहाँ पर पढ़ना है। पहला वेदर का नाम था आपका कोल्ड वेदर सीज़न जिसको विंटर कहते हो, फिर हॉट वेदर सीज़न जिसको आप लोग समर कहते हो, फिर एडवांसिंग मानसून जिसको आप लोग कहते हो रेनी सीज़न, एंड एक रिट्रीटिंग मानसून ये भी आप लोग कहते हो रेनी सीज़न। लेकिन फ़र्क ये है कि जो एडवांसिंग मानसून होता है ये बारिश लाता कौन है, तो इसको हम लोग कहते हैं दैट इज़ कॉल्ड साउथ वेस्ट मानसून। यहाँ फोटो में आप देख के समझ सकते हैं कहाँ से बारिश आ रही है, तो इसको कहते हैं साउथ वेस्ट मानसून कहा जाता है। जब वापस जाती है तो उसका आप लोग कहते हो नॉर्थ ईस्ट मानसून कहा जाता है। एंड कुछ फैक्ट भी आपको पढ़ना है, जैसे कि मान लीजिए फैक्ट हम आपको दिखाते हैं, ये रहा एक टर्म है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, ये रहा मौसिनराम कि सबसे ज़्यादा बारिश जो है इंडिया में क्या वर्ल्ड में कहाँ होता है, अक्टूबर हीट, ये रहा अगला टर्म कि अक्टूबर हीट क्या होता है। देन और भी वर्ड देखिएगा भी दिखाते हैं, वर्ड्स नहीं हम मतलब सिर्फ टॉपिक पर आते हैं। वन ऑफ द लास्ट टॉपिक मान लीजिए इस पूरे चैप्टर का अंतिम टॉपिक जिससे बार बार सवाल आता है, हर बार सवाल आता है, और वो टॉपिक का नाम है हाउ द मानसून यूनिफाई द कंट्री, मतलब कैसे ये मानसून जो है देश को जोड़ के रखने का काम करता है। तो इतना सारा चीज़ आप यहाँ कवर करते हैं तो आपका ये चैप्टर जो है यहाँ पर फिनिशअप हो जाएगा। एक बार देख लीजिए इसके बाद क्या क्या पढ़ना है, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर कुछ नहीं है, इसके बाद चैप्टर एंडअप हो जाएगा। तो बस इतना ही इस चैप्टर के लिए, लगभग 7 मिनट के अंदर हमने इस पूरे चैप्टर को कवरअप किया, आपको बस समझाने का काम था कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, एंड आई होप आप समझिए इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। एक बार ज़रा जल्दी से देख लीजिए, बस हम ये बोले क्लाइमेट और वेदर क्या है पढ़ लीजिएगा, बहुत सारा बॉक्सेस में फाइंड आउट फाउंड आउट करके क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, क्लाइमेट के कंट्रोलिंग फैक्टर 6 फैक्टर पढ़ लीजिएगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट पढ़ लीजिएगा, एंड कोरिओलिस फोर्स क्या है, जेट स्ट्रीम्स क्या है, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस क्या है, देन उसके अलावा इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन क्या है, एल नीनो क्या है, बर्स्ट ऑफ द मानसून क्या है, देन उसके अलावा साउथ वेस्ट मानसून रेन के बारे में पढ़ लीजिएगा। सीजन्स आपको 4-4 पढ़ना है, विंटर सीजन, एक है समर सीजन, फिर है कम रेन, जो आने वाला रेनी सीजन होता है उसको एडवांसिंग मानसून कहते हैं, और जाने वाले को दैट इज़ कॉल्ड रिट्रीटिंग मानसून। मैंगो शावर क्या होता है, काल बैसाखी क्या होता है, लू क्या होता है, महाभत क्या होता है, तो ये सब टर्म्स पढ़ लीजिएगा, एंड मौसिनराम के बारे में, अक्टूबर हीट के बारे में, एंड द लास्ट टॉपिक मानसून एज ए यूनिफाइंग बॉन्ड। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड देखिए पा रहे आप सब्सक्राइबर कितना है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, एंड बस वही, थैंक यू।